खबर पीलीभीत से है, जहां थाना सेहरा में उत्तरी क्षेत्र के गांव पटिहन में एक महिला की प्रसव के पश्चात मौत हो गई। वहीं मृतका के परिजनों ने मृतक के ससुराल वालों पर 2 लाख रुपए नगद एवं सोने की चैन की मांग पूरी न होने के कारण हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतका के पिता जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम नौगांव मोहम्मदपुर कोतवाली पूरनपुर पीलीभीत ने बीनू के पिता जगदीश ने अपनी पुत्री बीना देवी की शादी 26 अप्रैल 2018 को पटिहन निवासी संत कुमार के पुत्र सुमित कुमार के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न की थी। बीनू के ससुराल वालों ने बताया कि बीनू को 17 नवंबर अचानक प्रसव पीड़ा पर होने पर हम लोग बीनू देवी को अस्पताल ले गए, जहां बीनू ने एक नवजात बच्ची को जन्म दिया। नवजात को जन्म देने के कुछ समय पश्चात अचानक तबीयत बिगड़ गई और बीना की मौत हो गई। वहीं परिजनों का कहना है कि भगवान ने बीना के गर्भ से जन्मी नवजात बच्ची को भले सुरक्षित बाहर निकाल दिया, लेकिन जन्मी नवजात बच्ची की मां की ममता को हमेशा के लिए छीन लिया है। बीनू की मौत की सूचना जब बीना के घर वालों को लगी तो उनके होश उड़ गए, वह सभी लोग पटिहन आ गए। बीनू देवी को मृतक देख कर बीनू के परिजन दहाड़े मार कर रोने लगे। वहीं मृतका बीनू देवी के पिता का कहना है कि उनकी पुत्री बीनू की मौत लापरवाही व दहेज की मांग पूरी न होने के कारण हुई है। बीनू के पिता जगदीश प्रसाद ने थाना सेहरा में उतरी पहुँच कर घटना की सारी जानकारी थाना अध्यक्ष को बताई। घटना की जानकारी लगते ही सेहरा में उतरी पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुँच गया। वहीं लड़की पक्ष के पिता जगदीश प्रसाद ने सेहरा में उतरी थाने में पहुँच कर FIR दर्ज कराई। लड़की पक्ष ने मृतका बीनू देवी के ससुराल वालों के खिलाफ दिखाई FIR में बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी 1 वर्ष पूर्व ग्राम पटिहन थाना सेहरा में उत्तरी निवासी संत कुमार के पुत्र सुमित से हिंदू रीति रिवाज के साथ लगभग 1.5 वर्ष पूर्व की थी। वह अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। शादी के लगभग 2-3 माह तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। उसके बाद मृतका बीनू के ससुराल वालों और दहेज की मांग करने लगे। इस बात की सूचना बीनू देवी ने अपने घर वालों को कई बार बताई। इसके बाद हम लोगों ने गांव आकर वार्तालाप की और समझौता भी हुआ, लेकिन ससुराल पक्ष वाले दहेज की मांग पर अड़े रहे। बीनू के पिता ने बताया कि मांगे गए दहेज में हम असमर्थ रहे, जिसका परिणाम हमारी बेटी की मृत्यु के रूप में मिला, जिसको लेकर बीनू के ससुराल वाले बीनू को आए दिन प्रताड़ित करते रहते थे, जिसको लेकर बीनू टेंशन में रहती थी। वह बीनू के साथ ससुराल वालों ने लापरवाही बरती है, जिसकी वजह से बीनू देवी की मौत हुई है। वहीं बीनू के पिता जगदीश प्रसाद ने थाना सेहरा मऊत्री में 4 लोगों के खिलाफ दहेज एक्ट के तहत FIR दर्ज कराई है, जिसमें मृतका बीनू के पति सुमन, सास कुसुमा देवी, ससुर संतराम और बीनू की ननद स्वाति देवी के खिलाफ 458A, 304B व दहेज एक्ट की धारा 3 व 4 के तहत FIR दर्ज कराई है। दहेज एक्ट की विवेचना की जानकारी के बाद मौके पर CO पूरनपुर कमल सिंह व तहसीलदार पूरनपुर आशुतोष कुमार ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। मृत्यु का स्पष्ट वजह पोस्टमार्टम आने के बाद ही बीना की मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। लड़की होने का 3 घंटा बाद मोटी कलाई थी ना कल की।